गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे पास सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और कुछ हमारे पास ऐसे फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे जो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं और पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार आप बता दीजिए कि ऑडिबल एंड क्लियर है या नहीं, फिर हम सेशन शुरू कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कोई और चीज बता दूं कि हमारे पास हमारा वीकली शेड्यूल कुछ इस प्रकार से चल रहा है, जिसमें हमारे पास कई सारे इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हमारी इकोनॉमी की क्लास ऑनगोइंग है यहाँ पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स यूज्ड एज LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF के रूप में हमारे पास कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हाँ जी, तो आपने बताना है कि कौन सा हमारे पास कोड जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। तो देखो, जब हम बात करते हैं इन सभी को आप देखते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि सब किसका हिस्सा है। ये आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी का हिस्सा है। आरबीआई जो है मॉनिटरी पॉलिसी हमारे पास मैनेज करती है, उसी के सारे टूल्स हैं, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। और हमारे पास आंसर आने शुरू हो गए हैं। साहिल ने सबसे पहले आंसर दिया है बी, और ज्यादातर बच्चों का बी आंसर है जो कि गलत है, क्योंकि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए यानी वन और टू। रेपो और रिवर्स रेपो को हम LAF बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। ज्यादातर बच्चों ने मेरे पास बी आंसर दिया जो बिल्कुल गलत है। देखिए बच्चों, हमारे पास एक बार सारे टूल्स रिकॉल करा देता हूँ। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लगभग 18% चल रहा है अभी आरबीआई की तरफ से। ये पैसा आपको हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करना होता है, बैंक को लिक्विड फॉर्म में अपने पास मेंटेन करना होता है। ये पैसा 4% चल रहा है अभी आई गेस CRR का रेट, तो ये पैसा आपको आरबीआई को हैंड ओवर करना होता है, ठीक है? रेपो और रिवर्स रेपो क्या है? ये हमारे पास मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। इसमें रेपो के थ्रू आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, आरबीआई जो सरप्लस फंड है वो बैंक्स को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है? और हमारे पास रिवर्स रेपो में क्या होता है कि आरबीआई को फंडिंग लेनी पड़ती है हमारे पास बैंक से, ताकि मार्केट से लिक्विडिटी को रिड्यूस किया जा सके, और इन्हीं दोनों को कहा जाता है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। हाँ जी, क्लियर? तो करेक्ट आंसर मेरे पास बना ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, बताइए जी, सबको समझ आया या नहीं आया? हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से बता दीजिए प्लीज, सबको समझ आया या नहीं आया? क्वेश्चन वन सबको क्लियर है या नहीं स्टूडेंट्स? और एक बात मैं और आपको फिर से रिकॉल करा दूं कि आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको बाय मंथली रिवाइज करता है, ये भी आप याद रखेंगे। बाय मंथली रिवाइज करने का मतलब हर 2 महीने बाद रेट्स जो हैं वो रिवाइज किए जाते हैं, ठीक है? रेट्स को चेक किया जाता है, और ये रेट्स डिसाइड कौन करता है? रेट टू बी डिसाइडेड बाय एमपीसी। रेट्स इज टू बी डिसाइडेड बाय एमपीसी। एमपीसी हमारे पास एक 6 member body है, 6 member body है हमारे पास एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हाँ जी, क्लियर? CRR, SLR also affect liquidity, so ये liquidity adjustment tool क्यों नहीं है? मानसी बच्चे, हमारे पास जब ये हम बात करते हैं ना, इनको हम केवल देखो, इनका लिक्विडिटी पे इंपैक्ट जरूर आता है, CRR, SLR का लिक्विडिटी पे इंपैक्ट जरूर आता है, डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये डायरेक्टली हमारे पास इनको लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए केवल इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे जो CRR है वो आप आरबीआई को हैंड ओवर करते हो, वो किस लिए करते हो? ताकि बैंक की गारंटी आरबीआई के पास पड़ी रहे। बैंक का 4% पैसा जब आरबीआई के पास पड़ा रहेगा तो कम से कम कुछ गारंटी आरबीआई को रहेगी कि बैंक कोई गड़बड़ नहीं करेगा। दूसरा, SLR का जो इस्तेमाल है वो किस लिए, किससे बचने के लिए किया जाता है? बैंक रन से बचने के लिए किया जा सकता है। बैंक रन क्या होता है कि बहुत सारे लोग एकदम से बैंक से अपना पैसा वापस लेने के लिए आ जाए, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं बैंक रन। तो बैंक रन की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत सा पैसा लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करना जरूरी है। तो नो डाउट इन दोनों टूल्स का हमारे पास असर जरूर पड़ता है लिक्विडिटी पर, बट ये उतना इंपैक्ट नहीं डालते। ये दोनों तो सिर्फ लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए ही हैं, ठीक है? रोहित, बुक्स तो बच्चे मैं सच नहीं रेकमेंड कर पाऊंगा कोई, क्योंकि बुक्स में बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है, इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर मैं बात करूं कि कोई प्रॉपर बुक हो तो बुक्स तो सारी अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुक बुरी है, लेकिन जितना आपको रिक्वायर्ड है ना बुक में उससे कहीं ज्यादा होता है। मान लो आपको 10% ही चाहिए तो बुक में 100% है, तो ये थोड़ा सा मैं इस वजह से बुक रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा। बुक सारी अच्छी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कोई बुक बुरी है, ठीक है?
लिक्विडिटी मीन्स विच कैन बी इजिली कैश कन्वर्टेबल. लिक्विडिटी में तीन चीजें हमारे पास यहाँ पे कंसिडर की जाती है, लिक्विडिटी में तीन चीजें कंसिडर की जाती है, कैश, गोल्ड और आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, इन तीन चीजों को लिक्विड एसेट कंसिडर किया जाता है, ये भी याद रखिएगा. ठीक है, अब मुझे बता दो सबको क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, अब भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो. हाँ जी पूनम जी, आपको क्लियर हुआ है? नहीं हाँ जी, आप मुझे बताइए क्वेश्चन सबको क्लियर है या नहीं. मानसी जी आपका डाउट क्लियर हो गया? ओके, डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों किसी का भी. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको यहीं रिजॉल्व करेंगे हम. ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास द मिनिमम वेजेस एक्ट. भारत में कब हमारे पास एनेक्ट हुआ? हाँ जी बताइए जी, मिनिमम वेजेस एक्ट एक इंपॉर्टेंट एक्ट था, ये भारत में कब एनेक्ट किया गया? ऑप्शन है 1936, 1948, 1951, 1956. बताइए जी मिनिमम वेजेस एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो मानसी ने सबसे पहले आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद अरुणागर का भी आंसर बी है, प्रीति का आंसर बी, पूनम, देशराज, प्रिंस, सब लाइन लगा बी आंसर दे रहे हैं और बी बिल्कुल सही आंसर है. 1948 में हमारे पास मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था. बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बात सबने याद रखनी है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं. अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती, प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं होता, वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे पास जो वर्कर्स काम करते हैं एटलीस्ट उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए, उनको मिनिमम जीने का मौका देने के लिए मिनिमम वेज एक्ट जो है 1948 में लाया गया था. लेकिन मैंने यहां पर सॉल्यूशन में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण मेंशन की है जो आपके लिए याद रखना जरूरी है. वो क्या कि जब भी आप लेबर लॉज की बात करते हो, मतलब कि जब भी आप लेबर को लेकर बात करते हो, तो चार एक्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है. इन एक्ट के ईयर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. वो चार एक्ट कौन से है? तो सबसे पहले तो मिनिमम वेज एक्ट आ गया, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आ गया 1936, कि आपने पेमेंट करनी है वेजेस, ऐसा आप मना नहीं कर सकते. ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976. तो भाई ये चार जो लॉज है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो चार लॉज हैं, ये एक्ट जो है हमारे पास, ये एंश्योर करते हैं कि लेबर जो है उसके साथ कोई दिक्कत ना आए, उसको परेशानी ना आए, वो आराम से अपनी जिंदगी जी सके. तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉज हैं. आपको ये याद रखना है ये कौन कौन से ईयर में एनेक्ट किए गए, ये ईयर याद रखना बहुत बहुत जरूरी है. हाँ जी स्टूडेंट्स, कह रहे सबको, आई गेस मेरे को लगता है सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट था. चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, भारत का पहला शोर बेस्ड स्टील प्लांट कौन, हमारे पास देश का पहला शोर बेस्ड स्टील प्लांट कौन सा था? विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, सेलम स्टील प्लांट, राउरकेला और मुंबई स्टील प्लांट. देश का पहला शोर बेस्ड स्टील प्लांट कौन सा था, सवाल हमारे पास ये पूछा जा रहा है. हाँ जी बताइए जी. तो प्रीति का आंसर सी है, साहिल का आंसर सी है, मोनिका का आंसर सी है, मानसी का आंसर सी, सब लाइन लगा के आंसर सी दे रहे हैं जो गलत है. बिल्कुल करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट. देखिए बच्चों, सबने लाइन लगा के, एक तो दूसरे को कॉपी बिल्कुल नहीं करना, कम से कम 10-15 बच्चों ने लाइन लगा के हमारे पास सी आंसर दे दिया है अंधाधुंध, बिना देखे बिना सोचे. तो प्लीज भाई ऐसी कॉपी नहीं करनी, ठीक है, अपना दिमाग लगाना है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट. देखिए विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की जब मैं बात करता हूँ, ये पहला ऐसा प्लांट था जो हमारे पास एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था. एक्सपोर्ट हम कब करेंगे, क्योंकि शोर बेस्ड का मतलब क्या कि बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में बनाया जाएगा, एक्सपोर्ट का ध्यान रखा जाएगा. अभी भारत जो है विश्व के स्टील एक्सपोर्टर्स में से एक है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था. देखिए ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ. भारत में स्टील प्रोडक्शन कब शुरुआत कब हुई, 1912 में, जब हमारे पास टिस्को की स्थापना हुई. टिस्को की स्थापना के बाद भारत में स्टील प्रोडक्शन शुरू हुई. टिस्को स्टैंड फॉर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. और देखिए ध्यान से सुनिएगा, उससे पहले भारत क्या करता था, ब्रिटेन से स्टील मंगवाता था. स्टील वाज इंडिया वाज इंपोर्टिंग स्टील दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन. हमारे यहाँ स्टील भी कहां से आ रहा था, देखो अंग्रेज क्या करते थे, हर सामान इंग्लैंड में बनाते थे, भारत में बेचते थे. स्टील तक कहां से बन के आ रहा था हमारे पास, ब्रिटेन से बन के आ रहा था. इस सब मोनोपोली को तोड़ा टाटा ने. तो टाटा ना देखो कब से देश की सेवा कर रहा है. टाटा ग्रुप जैसा ग्रुप शायद ही भारत, मतलब टाटा ग्रुप भारत के लिए एक ब्लेसिंग है. आप ये कह सकते हो कि टाटा ग्रुप भारत के लिए एक ब्लेसिंग है. हाँ जी क्लियर. तो यहां पर आप देखिए कि टाटा ने वो मोनोपोली को तोड़ा जो ब्रिटेन हमारे पास मोनोपोली लेकर चल रहा था. और यहां पर आप देखिए कि उसके बाद हमारे पास 1970 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने हमारे पास एक स्टील प्लांट बनाने की बात की जो विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा. और जिसके लिए हेल्प किसने की थी, यूएसएसआर ने.
इसके लिए हेल्प किसने की थी? यूएसएसआर ने। हाँ जी क्लियर। तो आपको बता दूं कि 1971 में स्टील प्लांट एस्टेब्लिश हुआ, जो भारत का पहला शोर बेस्ड स्टील प्लांट था। हाँ जी कंसेप्ट बताइए, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं स्टूडेंट्स? हाँ जी सबको क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट, इसमें किसी को कोई डाउट? टिस्को की स्थापना याद रखिएगा कब हुई, क्योंकि उसने ब्रिटेन की मोनोपोली को तोड़ा था। 1912 में टिस्को की स्थापना हुई थी। 1912 से टिस्को ने बेसिकली इंडिया में काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और जमशेदपुर भारत का पहला वो शहर माना जाता है जहां से बड़े लेवल पर स्टील की प्रोडक्शन शुरू हुई भारत में। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट? इनमें से हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट क्या इश्यू कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल या दोनों? प्रीति बच्चे, शोर का मतलब क्या होता है? शोर का मतलब क्या होता है? आप इंग्लिश का सिंपल वर्ड देखिए, किनारा। शोर का मतलब क्या होता है? किनारा। तो बेसिकली ऐसा स्टील प्लांट जो समुद्र के किनारे, समुद्र से ज्यादा दूर ना हो। ठीक है, दिनेश ने आंसर दिया है सी, मानसी का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो हाँ जी, कनिका का आंसर है ए, मोनिका का आंसर है ए, ओके ज्यादातर, और सुमन का आंसर है बी। ओके, ए और बी में कंफ्यूजन। ठीक है, कुछ बच्चे सी की तरफ भी चले गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ए ये बी भी गलत है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, हाँ जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो बच्चों, आपको बताना चाहिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं और ट्रेजरी बिल्स हैं, ये दोनों हमारे पास डेट इंस्ट्रूमेंट है। ये दोनों क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब इसके थ्रू सरकार को पैसा मिलता है, याद रखिएगा। इसके थ्रू क्या होता है? सरकार पैसा हमारे पास लेकर आती है। अब जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जब मैं ट्रेजरी बिल्स की बात करता हूं तो टी बिल्स के बारे में खास बात समझने वाली कि ट्रेजरी बिल्स जो है वो केवल केंद्र सरकार जारी कर सकती है। टी बिल्स बोलते हैं इनको, ट्रेजरी बिल्स, ये केवल केंद्र सरकार जारी कर सकती है। और ये तीन तरह के होते हैं, याद रखना, ट्रेजरी बिल तीन तरह के होते हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ठीक है, 91 डेज, ठीक है, 182 डेज और 364 डेज। मतलब क्या होता है कि सरकार जो आपको, सरकार को जो पैसा चाहिए होता है तो सरकार बोलेगी ट्रेजरी बिल इशू कर रहे हैं, आप ट्रेजरी बिल खरीद सकते हो। जब आप ट्रेजरी बिल खरीदते हो तो आप सरकार को पैसा दे रहे हो, सरकार आपका यही पैसा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करती है, ब्याज के साथ वापस करती है। 91 डेज में करेगी या तो 91 डेज में करेगी, या 182 डेज में करेगी, या 364 डेज में करेगी। वो ऑलरेडी ट्रेजरी बिल्स पर लिखा होगा, जब आप ट्रेजरी बिल्स को खरीदोगे वो ऑलरेडी उस पर मेंशन होगा। तो ये ट्रेजरी बिल्स केवल केंद्र सरकार जारी कर सकती है, राज्य सरकार जारी नहीं कर सकती। जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं वो केंद्र सरकार भी जारी कर सकती है, राज्य सरकार भी जारी कर सकती है। हाँ जी क्लियर, मुझे बताओ जी कंसेप्ट समझ आया सबको या नहीं, जल्दी से बता दो एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी सबको कंसेप्ट बताओ बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और ये भी याद रखिएगा, ट्रेजरी बिल कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के ट्रेजरी बिल्स हमें देखने को मिलते हैं, देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल्स। चलिए जी सबको क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास द इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस बाय, हमारे पास द इकोनॉमिक पॉलिसी, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हो रही है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस बाय हूम? लेनिन, स्टालिन, क्रेंस्की और कुशेव। हाँ जी, तो मानसी जी का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रीति का आंसर है ए, कॉपी मत करना सब एक दूसरे की, दिनेश का आंसर ए, देशराज का आंसर ए, रोहित का आंसर ए, ओके रेशमा का आंसर बी, ओके। तो ज्यादातर बच्चों ने ए आंसर दिया और ए बिल्कुल सही आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर है। लेनिन, देखिए लेनिन ने क्या किया था, देखो ध्यान सुनना, रशिया पे पहले जार का शासन हुआ करता था। ठीक है, रशिया पे पहले रूल कौन करता था? जार। एक हमारे पास मोनार्की हुआ करती थी, रशिया एक मोनार्की हुआ करती थी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद लेनिन सामने आया, लेनिन जो है वर्ल्ड वॉर वन के बाद सामने आया और उसने क्या किया, उसने जार के शासन को उखाड़ फेंका, उसने एक रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस की पूरे रशिया में, और आगे चलकर वो रशिया का पहला, हमारे पास फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का लीडर भी बना। जो रशिया की पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, अब भी रशिया में कम्युनिस्ट सरकार है, तो उसकी पहला जो लीडर था वो कौन था? लेनिन था, जिसने हमारे पास डेडिकेट किया था अपने आप को कि ही इज द कॉज ऑफ वर्कर रेवोल्यूशन, कि वर्कर्स की रेवोल्यूशन का वो ही मेन हमारे पास सिपहसालार है। 1917 से 1924 तक वो रशिया की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लीड करता है, और यही वो समय था जब हमारे पास नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। रशिया की रेवोल्यूशन याद रखिएगा, अक्टूबर 1917 में ही इज द लीडर ऑफ द सोवियत रेवोल्यूशन। हाँ जी क्लियर, ही इज कंसीडर्ड टू बी द लीडर ऑफ
सोवियत रेवोल्यूशन, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका याद रखना, ये जरूरी है। हाँ जी क्लियर सर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी ये पॉलिसी दी थी। देखो भाई साहिल जी, मनमोहन सिंह की पॉलिसी एलपीजी रिफॉर्म्स के रूप में नाम जाना जाता है। हमने कभी भी नाम अपनी तरफ से अल्टरनेशन नहीं करने। मनमोहन सिंह जी ने काफी कुछ दिया है इंडियन इकोनॉमी को, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये दो चीजों को आपस में मिक्स ना ही करें तो अच्छा है। हाँ जी क्लियर। रशिया देखो प्रॉपरली, देखो अभी भी साहिल मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर सोशलिज्म तो पूरे विश्व में कहीं नहीं बचा। सोशलिस्ट इकोनॉमी एग्जैक्टली, तो परफेक्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी तो कहीं भी नहीं है अभी, ठीक है पूरे विश्व में। हाँ तुम कह सकते हो कि नॉर्थ कोरिया में थोड़ा बहुत कह सकते हो, लेकिन वो भी एक टिपिकल टाइप ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी है। टिपिकल क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जनता की भलाई, ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया में जनता की भलाई हो रही है, जनता को तो भूखी मारा हुआ है वहां पे सरकार ने, तो भाई सोशलिस्ट परफेक्ट सोशलिज्म तो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं बचा। हाँ जी क्लियर। हाँ जी कंसेप्ट समझ आया सबको यानी स्टूडेंट्स? तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ डिमांड डेफिशिएंसी इन एन इकोनॉमी? जब डिमांड की डेफिशिएंसी होगी किसी अर्थव्यवस्था में तो क्या देखने को मिलेगा? पॉवर्टी, स्टैग्नेशन, रिसेशन और हमारे पास, या फिर इन्फ्लेशन, बताइए जी। ऑप्शंस आपके सामने। हाँ जी, सो इज देयर पॉवर्टी, स्टैग्नेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन? तो मेरे पास सबसे पहले ईशांत का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसके बाद दिनेश का आंसर आया है बी, प्रीति का आंसर डी, साहिल का आंसर डी। ओके, ज्यादातर बच्चे डी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। कुछ सिलेक्टेड बच्चों ने जैसे कनिका ने और दिनेश ने बी आंसर दिया है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया है बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया है, बहुत ही अच्छा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इन्फ्लेशन नहीं होगी। बच्चों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा, जब डिमांड डेफिशिएंसी होगी, हाँ जी डिमांड डेफिशिएंसी का मतलब लोग चीजों की डिमांड ही नहीं कर रहे, डिमांड मार्केट में है ही नहीं, और आउटपुट जो है वो अपने फुल स्विंग पे है, आउटपुट जो है वो अपने फुल स्विंग पे है, आउटपुट लगातार फुल स्विंग पे चल रही है। तो जब डिमांड ही नहीं होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? आउटपुट को कट डाउन करना पड़ेगा, आपको आने वाले टाइम में आउटपुट को कट डाउन करना पड़ेगा। उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप बहुत से लोगों को जॉब से निकाल दोगे। हाँ जी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन क्या उसका इन्फ्लेशन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन? इन्फ्लेशन कैसे होगी? यहां तो उल्टा प्राइस डाउन करना पड़ेगा, यहां तो उल्टा क्या करना पड़ेगा? प्राइस डाउन करना पड़ेगा। जब डिमांड ही नहीं है, इन्फ्लेशन कैसे हो जाएगी भाई? पॉवर्टी का तो यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रिसेशन हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन इंस्टेंट, अगर ओनली इंस्टेंट इंपैक्ट की बात करूं तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो बनता है वो बनता है स्टैग्नेशन का, जो सबसे अच्छा ऑप्शन बनता है वो स्टैग्नेशन का। पॉसिबिलिटी बनती है देशराज जी रिसेशन की, लेकिन वो इमीडिएट पॉसिबिलिटी नहीं बनती, इमीडिएट पॉसिबिलिटी नहीं बनती ना। आप इमीडिएट इंपैक्ट देखिए कि इमीडिएट इंपैक्ट क्या होगा। हाँ जी बताइए जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभिषेक बच्चे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिसेशन की बार आप वही क्वेश्चन पूछ रहे जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पॉसिबिलिटी बनती है रिसेशन की, लेकिन आप इंस्टेंट देखिए कि क्या होगा, ठीक है। हाँ जी सबको क्लियर हुआ या नहीं? चलो नेक्स्ट हमारे पास, तो एक बार अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको आप बाद में एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से पढ़ लेना, ठीक है, आप इसको समझ जाओगे। चलिए जी, और यहां पर देखो, यहां पर एक इकोनॉमिस्ट ने अपनी थ्योरी भी दी हुई है माल्थस ने, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब यहां पर कंसिडर किया गया है, ठीक है, तो इसको भी आप इस तरह से पढ़ सकते हो। तो ये माल्थस की थ्योरी के अकॉर्डिंग सारा का सारा क्वेश्चन जो है उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सवाल है रिगार्डिंग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई को लेकर यह सवाल है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, पहली स्टेटमेंट दी गई है। दूसरी स्टेटमेंट, द कंपटीशन द कमीशन फंक्शन एज अ मार्केट रेगुलेटर बाय प्रिवेंटिंग एंड रेगुलेटिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन द कंट्री। बताइए जी कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शंस आपके सामने। साहिल ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, देशराज जी का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओके मानसी, दिनेश, पूनम सब बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। एक तो यहाँ पर इतने सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, सब बच्चे एक तो आंसर करने की कोशिश किया करो, पार्टिसिपेट किया करो, स्पेक्टेटर ना बना करो, दर्शक नहीं बनना, ठीक है, पार्टिसिपेंट बनना है। तो करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, स्टैचुटरी बॉडी है। बिल्कुल स्टैचुटरी बॉडी का मतलब क्या होता है?
कि जिसके लिए पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ हो, जिसके लिए पार्लियामेंट का एक्ट पास किया गया हो। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए जी हाँ बिल्कुल पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ है, और ये मार्केट में एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए काम करती है। अभी हाल ही के दिनों में इसने गूगल पर फाइन लगाया है, अगर आपको पता हो गूगल के ऊपर 1336 करोड़ का एक फाइन इंपोज किया है किसने, सीसीआई ने। तो इसीलिए जो सवाल है वो सीसीआई को लेकर पूछा गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर पूछा गया है, इसको मैंने करंट से रिलेट किया है। हाँ जी क्लियर, इसको मैंने करंट से रिलेट किया है। ओके सो गूगल के पर 1336 करोड़ का फाइन लगाया है। इन्होंने क्या कहा है कि गूगल ने मार्केट में अपनी डोमिनेंट पोजीशन का, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या कहा कि गूगल ने मार्केट में अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए, जो गूगल क्रोम आप ये जो बेसिकली जो एंड्रॉइड यूज करते हो, बेसिकली जो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, उसका गलत इस्तेमाल किया है अपने बाकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। एंड्रॉइड का गलत इस्तेमाल किया अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे गूगल क्रोम है, जीमेल है, यूट्यूब है, उसका गलत इस्तेमाल किया है किसने, गूगल ने एंड्रॉइड का यूज करते हुए। ठीक है, तो इसीलिए सीसीआई ने इसके ऊपर भारी भरकम फाइन जो है वो इंपोज कर दिया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि फाइन क्यों इंपोज किया गया, क्या कारण थे। हाँ जी क्लियर, तो मैं यहां पर फिर से आपको बता दूं कि ये हमारे पास लिबरलाइजेशन के बाद हमें महसूस हुआ कि कंपटीशन को फेयर बनाए रखना है, इसके लिए कंपटीशन एक्ट 2002 पास किया गया। कंपटीशन एक्ट भारत में कब पास हुआ, 2002 में, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके बाद एस्टेब्लिश हुआ। इसने किसको रिप्लेस किया, हमारे पास कंपटीशन एक्ट 2002 ने किसको रिप्लेस किया, हमारे पास ये भी आप याद रखिएगा, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 को इसने रिप्लेस किया कंपटीशन एक्ट 2002 ने। ठीक है, और हमारे पास सीसीआई एस्टेब्लिश हुई जो मार्केट में कंपटीशन को फेयर बनाए रखने के लिए काम करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कुछ भी करके मार्केट में कंपटीशन को फेयर बनाए रखा जाए। आइए सब समझ रहे होंगे, इसने कई बार अलग अलग कारणों के चलते हमारे पास अलग अलग एंटिटीज को फाइन लगाया है ताकि कंपटीशन को फेयर बनाए रखा जा सके। हाँ जी क्लियर, तो ये भी आपने याद रखना है कि कंपटीशन एक्ट 2002 ने किसको रिप्लेस किया था, दैट इज एमआरटीपी, दैट इज मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 को इसने रिप्लेस किया था। चलिए जी आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हर पेपर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डील करता है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। हाँ जी, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डील करता है, इसको लेकर सवाल पूछा जाना तय है बच्चों, कोई मतलब ही नहीं है कि सवाल ना पूछा जाए। ठीक है, तो साहिल ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए, मानसिक आंसर ए है, उसके बाद दिनेश ने आंसर सी दिया है, लेकिन ज्यादातर बच्चे मेरे पास ए आंसर दे रहे हैं, तो वेरी गुड बच्चों जिसने भी ए आंसर दिया है, ए हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 जो है वो बात करता है हमारे पास किसके बारे में, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। मैं बार बार अपने बच्चों को ये इमेज दिखाता रहता हूं, उसका कारण है ऐसा है कि इसके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको फिर से याद दिला दूं कि यूनाइटेड नेशन ने 2015 में इंट्रोड्यूस किए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 2015 में इंट्रोड्यूस किए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनका टारगेट क्या था, हमारे पास ये जो टारगेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये 17 गोल्स थे, टोटल कितने थे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, और जिनको अटेन करना है कब तक, 2030 तक जिनको अटेन करना है। तो तुम्हारे सामने बच्चों पहला गोल पॉवर्टी को खत्म करने की बात करता है, दूसरा हंगर को खत्म करने की बात करता है, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, छठा जेंडर इक्वालिटी, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फिर अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, और यहां पर देखो क्लाइमेट एक्शन, हर तरह के गोल यहां पर बताए गए हैं। तो प्लीज ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि आप ये सारे गोल्स जो हैं, मेरी बात फिर से समझ लो, ये सारे गोल्स को आप एज इट इज याद कर लो विद योर नंबर, बहुत बहुत जरूरी रहेगा आप लोगों के लिए। मैं फिर से रिकॉल करा दूं, फिर से याद दिला दूं कि इसमें 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं जिनको 2030 तक अटेन करना है। आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, पूरा का पूरा जो टेबल है आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। हाँ जी क्लियर, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बार सुनते हो तुम, है ना, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले ये टर्म्स का इस्तेमाल किसने किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है लेकिन ये टर्म्स आपने बहुत बार सुनी होंगी। देशराज ने सबसे पहले आंसर दिया है मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, दिनेश का आंसर है सी, मोनिका दिनेश का आंसर है ए, मोनिका का आंसर है सी, मानसी का आंसर है सी, साहिल का आंसर है बी। ओके, बहुत ही मिले जुले जवाब आ रहे हैं, ए बी सी सब आंसर आ चुके हैं। साहिल ने आंसर दिया है सी होगा,
शिवानी का आंसर है बी होगा. ओके सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं लेकिन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेगनर फ्रिस्क. भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ जी ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. रीजन बताता हूँ क्यों. रेगनर फ्रिस्क की जब मैं बात करता हूँ तो रेगनर फ्रिस्क ने, ये हमारे पास एक ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ठीक है, ओस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे में. इन्होंने 1933 में पहली बार ये टर्म यूज की थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स. बाद में टर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, ठीक है. और खास बात क्या है कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, देखो ध्यान सुनना, हम पढ़ते हैं कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, ठीक है. ये जो अवार्ड है बच्चों ध्यान सुनना, रिकॉल करा दूं, वैसे तो आप लोगों ने शायद सुना ही होगा, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस 1969 में शुरू हुआ. ये सबसे लास्ट में शुरू होने वाला नोबेल पुरस्कार था. बाकी सारे नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जाने लगे थे, 1901 से शुरू हो गए थे. ये नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ 1969 में और इसकी अनाउंसमेंट कौन करता है कि किसको मिलेगा, ये किया जाता है बाय सेवर्जिस रिक्सबैंक, ठीक है. कौन डिसाइड करता है कि किसको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिलेगा, सेवर्जिस रिक्सबैंक, जो हमारे पास सेंट्रल बैंक है किसका, हाँ जी याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक है स्वीडन का, किसका सेंट्रल बैंक है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक है सेवर्जिस रिक्सबैंक. इसके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि कौन विनर होगा. तो 1969 में जब पहली बार नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया तो किस किस को मिला था, रेगनर फ्रिस्क को मिला था और इसके साथ मिला था जेन टिम्बरजेन को, ठीक है. तो यहां पर आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि रेगनर फ्रिस्क वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले शब्द इस्तेमाल किए और साथ ही वो पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला, ठीक है. 1969 में जो डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, जो डिसाइड किया जाता है कि विनर जिसका डिसाइड किया जाता है, सेवर्जिस रिक्सबैंक द्वारा. सेवर्जिस रिक्सबैंक स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में आरबीआई काम करता है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है, यहां पर काम करता है सेवर्जिस रिक्सबैंक. हाँ जी क्लियर, हाँ जी बताइए जी स्टूडेंट, समझ आया सबको या नहीं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहां पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से बना, क्योंकि यहां पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है. तो आज के बाद नाम याद रखेंगे रेगनर फ्रिस्क, ठीक है, नाम याद रखेंगे रेगनर फ्रिस्क. ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए. हाँ जी एमएसपी का कंसेप्ट कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया, हाँ जी बताओ जी कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया एमएसपी का कंसेप्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले मानसी का आंसर आया है ए, साहिल का आंसर आया है हमारे पास ए. ओके ज्यादातर बच्चे मेरे पास ए आंसर दे रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत और सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल सही है. 1966 में हमारे पास एमएसपी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि किसानों को एक तरह से प्रोटेक्शन दी जा सके. जो किसान है ऐसा ना हो कि हमारे पास अवेलेबिलिटी के चलते मार्केट में मास प्रोडक्शन हो गई और उसके चलते प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाए, उससे बचाने के लिए एमएसपी का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1966-67 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अभी राइट नाउ हमारे पास अगर हम बात करें जो क्रॉप्स यहां पर इंक्लूडेड हैं तो आप दे सकते हैं वो क्रॉप कौन कौन सी है हमारे पास. देखिए हमारे पास अगर हम बात करें पैडी, वीट, मेज, शोरगम, पर्ल, ये सब इंक्लूडेड है. और कमर्शियल क्रॉप्स में हमारे पास कोपरा, शुगर केन, वीट और रो जूट इंक्लूडेड है. कोपरा, शुगर केन, कॉटन और रो जूट. वैसे शुगर केन के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो एफआरपी है. शुगर केन के लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं दैट इज एफआरपी. एफआरपी मींस फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस. क्या है एफआरपी की फुल फॉर्म, फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस. तो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे पास, हाँ जी हमारे पास कौन से ईयर में ये एमएसपी का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था. ये आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आज भी जब एमएसपी डिसाइड होता है तो बहुत बार किसान ये डिमांड करते हैं कि एमएसपी की जो वैल्यू है वो कम है. और इसी के चलते आपको पता होगा एफसीआई को भी एस्टेब्लिश किया गया था ताकि एमएसपी के कंसेप्ट को इंश्योर किया जा सके. तो एफसीआई जो है, हाँ जी जो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो एमएसपी को इंश्योर करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था. ठीक है, हाँ सीएसीपी रेकमेंड एमएसपी. ठीक है, हाँ जी सीएसीपी के द्वारा हमारे पास एमएसपी रेकमेंड किया जाता है. बिल्कुल देशराज, नहीं मैं एचपी का एग्जाम नहीं देता बच्चे मेरा. हाँ एक बार एचएएस का एग्जाम जरूर दिया था, क्लियर भी हुआ था, लेकिन एंड तक बात नहीं बन पाई. ठीक है, तो अब खैर मैं कोई एग्जाम नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, हाँ पहले दिए हैं काफी. ओके तो
हाँ जी, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सेशन अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।